दिग्विजय के हार के बाद मिर्ची बाबा ने जल समाधि की अनुमति मांगी, कलेक्टर ने इनकार कर दिया। प्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद गायब हुए वैराग्यानंद गिरी महाराज ने अब कलेक्टर से जल समाधि लेने की अनुमति मांगी है। बाबा ने कहा, मैं अपनी बात पर अटल हूँ और जो प्रण लिया है उसे जरूर पूरा करूंगा। वैराग्यानंद ने 16 जून को दोपहर 2:11 पर जल समाधि लेने की घोषणा की है। हालांकि कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अनुमति देने से इनकार डीआईजी को बाबा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वैराग्यानंद गिरी के वकील सैयद साजिद अली के मुताबिक अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बाबा तय समय पर जल समाधि लेंगे। दरअसल महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद ने दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5.5 क्विंटल लाल मिर्च का यज्ञ किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीते तो वह यज्ञ कुंड में जीवित समाधि ले लेंगे। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। नतीजों के बाद से ही बाबा अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे कामाख्या धाम देहरादून में तपस्यारत हैं। बाबा ने अपने वकील सैयद साजिद अली के माध्यम से जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं दी जा सकती, सैयद साजिद अली ने कहा कि कलेक्टर ने डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लिहाजा उनके जान माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। कल भोपाल वैराग्यानंद स्वामी वैराग्यानंद गिरी 16 जून को भोपाल आएंगे। दिग्विजय सिंह को षड्यंत्र के तहत हराया गया है, फिर भी वे अपनी बात पर अटल हैं और तय समय पर जल समाधि जरूर लेंगे। मेरा समाधि लेना तो उसी दिन हो गया जिस दिन दिग्विजय सिंह जैसा हिंदू हार जाता है, वो समाधि है। और उसके बाद भी मैं अपने संकल्प पे दृढ़ निश्चय हूँ, मैं समाधि लूँगा, मैं समाधि लूँगा, मैं समाधि लूँगा। ठीक है, मैं इस विषय में इतना कहूँगा, स्वाभाविक करके जो यज्ञ असफल हुआ, परमात्मा की कृपा से आज तक दैविक शक्तियों के कोई अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए, मानना है। और आगे एक शब्द और आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वाभाविक करके जहाँ तक मुझे लगता है जनता जनार्दन का जो भी निर्णय रहा हो उसे मैं सर्वमान्य करता हूँ। यज्ञाद अनुष्ठान की परंपराओं को मैं निभाते हुए जो मेरा संकल्प निष्फल हुआ है उसके लिए मैं जिंदा समाधि लेने के लिए प्रति। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप प्रमाण रिपोर्ट है जिन वकीलों के नाम से मेरे से चर्चाएं कर रहे हैं वो भी हैं, कई नाम इसमें सामने हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को प्रमाण के साथ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ समाधि लेने आया हूँ, मैं समाधि लूँगा। ये प्रत्यय है कि मैं समाधि और आप सुनना चाहते हैं तो मैं यहाँ तो आपको लेने देगा, प्रशासन नहीं लेने देगा तो भी मैं समाधि लूँगा, मैं अपना संकल्प पूरा करूँगा। समाधि का स्थान क्या रहेगा? समाधि का स्थान जल समाधि चुनी है तो भोपाल का कटोरा ताल उत्तम रहेगा। कब? कब लेंगे? कब? आज 2 बजे का मुहूर्त है। यहाँ से मीनार रेसिडेंसी जहाँ मैं काफ़ी दिनों से रुका था अभी वहाँ जाऊँगा और वहाँ से मैं कलेक्टर महोदय से एक बार रूबू होऊंगा कि उन्होंने परमिशन किस कारण नहीं दी।